पेशे से मैं शिक्षक हूँ और वो भी गणित का शिक्षक हूँ। और सबसे अच्छी बात मेरे विषय की यही है ना कि बेस्ट थिंग अबाउट मैथमेटिक्स इज कि इट डज नॉट चेंज विथ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो गुरु जी एक नई रचना आपको सुनाता हूँ आज जो है, गणित मेरा विषय प्रिय विषय क्यों है। तो मैं कहता हूँ कि सरहदों ने मुझे बांटा नहीं है, गणित कहता है सरहदों ने मुझे बांटा नहीं है, भतीजे ने चचा को यहाँ काटा नहीं है, और गणित में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एसिड बेस का रिएक्शन नहीं है, एक शब्द के कई पर्यायवाची नहीं है, झउआ झउआ है चन्नी और खांची नहीं है, और शून्य सबसे छोटा होकर सबसे अधिक भारी है, और नई नवेली बहु जैसा गऊ फिर क्रांतिकारी है। तो गऊ और क्रांतिकारी अगर दोनों की बात करें तो दोनों तरह की पीढ़ी को झेलेंगे। अभी कल्याण विशाल जी जो कि ये आप युवा कवि भी हैं, और मैं जान रहा हूँ कि बहुत जल्दी इनका भी विवाह होगा, तो कल्याण विशाल जी आए और एक फेस को तो बताएं हम लोगों। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, दिल की हर दास्तां से चला जाऊंगा, आपका प्यार मुझको अगर ना मिला फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। बहुत मैं एक मुक्तक ऐसे पढ़ता हूँ कि आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक मुक्तक मैं देश के नाम करता हूँ। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, रहे न भेद धर्म का हम मां बाद रहे, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया। मैं श्रृंगार लिखता हूँ और मैं बिना किसी देरी के मैं अपने सिलेबस पे आता हूँ। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें गर ना लगी तो फिर, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें गर ना लगी तो फिर, हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी, हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। दिल में उसके ही घर बसाना है, दिल में उसके ही घर बसाना है, चाहता हूँ कि उसको पाना है, उसकी आंखें तो झील जैसी है, उसकी आंखें तो झील जैसी है, उसकी आंखों में डूब जाना है, उसकी आंखों में डूब जाना है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों से जीवित करिए। मैं गीत पढ़ता हूँ। प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, पहली बार मिले जो तुम थे खुल गए भाग्य हमारे, फिर जो तुमको मिल गए हम तो हो दुर्भाग्य तुम्हारे,
रूप मदिरा हुस्न का होया वक्त विचारेगा देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा एक है पावन मुनि प्रेम में एक गंगा की धारा एक लिखता है गीत गगन में एक लिखता है गीत गगन में देख पपीहा गाएगा देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा बहुत शुक्रिया मैं एक छोटा सा एक गीत सुनाता हूँ आपको फिर अपना स्थान लेता हूँ एक बंद सुनाऊंगा एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे उसके संग जब बैठूं मैं तो काश भी लंदन लगे प्रेम में छल करके हमसे अपने रास्ते वो चली और वो भी बेवफा निकली है और वो भी बेवफा निकली बहुत शुक्रिया यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रसते बह गए रोज एक भंवरे के आगे खिल रही थी वो कली और वो भी बेवफा निकली है और वो भी बेवफा निकली मैं एक अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ आपका आशीर्वाद मिले मैं इसको अपना स्थान लेता हूँ जी बहुत शुक्रिया कि प्रीत की अच्छा मेरे रोहित भैया यहाँ बैठे हैं उन्होंने बताया कि शादी होने से पहले इन्होंने 3 दफ़ा प्रेम किया है मैंने उस 3 दफ़ा को लिखा है इसका सुनिएगा प्रीत की पहली किरण मिलते ही खो गई दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई प्रीत की पहली किरण मिलते ही खो गई दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली और वो भी बेवफा निकली है और वो भी बेवफा निकली बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया